हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाले ब्रांड न्यू अपकमिंग डिवाइस के बारे में, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और इस स्मार्टफोन का नाम होने जा रहा है वन प्लस नॉट टू, और ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। इसके काफी सारे रेंडर इमेजेस और काफी सारे लीक्स यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो GSM अरीना के वेबसाइट पे वन प्लस नॉट टू लिस्ट हो चुका है, जहाँ से इसके काफी सारे रेंडर इमेजेस और काफी सारे ऑफिशियल लीक्स और यहाँ तक की इसके हर एक स्पेसिफिकेशन रिवील हो गई है। यहाँ तक की जो ये स्मार्टफोन होने जा रहा है, लुक वाइज एकदम वन प्लस नाइन की तरह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर काफी सारे OnePlus के कस्टमर्स को OnePlus Nord 2 का काफी बेसब्री से इंतजार था। चलो, वो वक्त भी खत्म हो गया। ये स्मार्टफोन आपको सितंबर के एंड में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एक कोई अच्छा स्मार्टफोन लेने जा रहे हो OnePlus का, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एक एक स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या प्राइस होगी, कब तक आपको एंड में देखने को मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अपने कमाल के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के एपिसोड का नाम है क्या बात है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। डिज़ाइन एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी स्मार्टफोन को बढ़िया दिखने में। डिज़ाइन आपको एकदम गजब का मिलने वाला है, क्योंकि इस बार OnePlus 9 का आपको इसमें डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही गजब का और प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस एक फ्लूइड एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 90Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर फ्रंट साइड में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक पंचुअल कैमरा देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का होगा, प्लस OIS के सपोर्ट के साथ में आएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा कि नहीं। 100% मिलने वाला है, ये एकदम कंफर्म है। साथ ही में बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो आपको यहाँ पास 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और आप लोग जानते होंगे कि OnePlus हमेशा ऐसे ही करता है, अपने मैक्सिमम स्मार्टफोन में आपको हमेशा प्रोवाइड करता है 4500 mAh की बैटरी, और साथ में आपको यहाँ पास 30 वाट का एक चार्जर देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, फास्ट चार्जर रही है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। आप लोग इसके ऑफिशियल पोस्टर में भी देख सकते हो, तीन कैमरा आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है। और OnePlus 9 में भी आपको तीन कैमरा ही मिला था, तो मतलब आपको यहाँ पास ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा। तो ये काफी गजब की बात है, आपको यहाँ पास मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। सो फाइनली गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ही ज्यादा एक रोल प्ले करती किसी स्मार्टफोन के अंदर उसे चलने के लिए। दोस्तों, यहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो के रखा है, मतलब हाइप ज्यादा क्रिएट हो गया इसके प्रोसेसर को लेकर। यहां पर अभी ये अनरिलीज्ड है, प्रोसेसर के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। आप लोग यहां पर देख सकते हो GSM अरीना के वेबसाइट पर लिखा है कि आपको यहाँ पास तीन प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, तीनों में से कोई एक देखने को मिलेगा इसमें। पहला प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से आता है, डायमेंसिटी 1200 प्लस। दूसरा प्रोसेसर भी क्वालकॉम की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 865। तीसरा प्रोसेसर भी क्वालकॉम की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 870। और ये तीनों प्रोसेसर 5G कनेक्टिविटी पे बेस्ड हैं। बट दोस्तों, अगर OnePlus को कम प्राइस में अपने स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करना रहेगा, मतलब अंडर 20,000, तो आपको मीडियाटेक का चिपसेट प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि मीडियाटेक के जो चिपसेट होते हैं काफ़ी चीप प्राइस में ऑफर करे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर OnePlus को हाई रेंज में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करना रहेगा, मतलब अंडर 30,000, तब आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट ऑफर कर सकती है। तो मेरा यही ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। स्टोरेज ऑप्शन और स्टोरेज टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ट होगा 6GB रैम पर, 8GB रैम पर और 12GB रैम पर। और स्टोरेज मिलने वाला है आपको यहाँ पर 64, 128 और 256GB। सो फाइनली गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो मैं जैसा कि आपको बताया था, अगर आपको इसमें मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस होगी अंडर 20,000। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलेगा, तो आपको अंडर 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा इंडिया में। और अगर आप लोगों को प्राइस को लेकर कोई डाउट उठ रहा हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, 100% रिप्लाई करता हूं, इतना तो कंफर्म है। और दोस्तों, लॉन्च डेट की मैं बात कर लेता हूं, तो ये स्मार्टफोन आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा सितंबर के एंड में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आने वाला रहेगा, मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मन हो तभी करना, अच्छी लगी तभी करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।